और देखिए छिंदवाड़ा के पांढुना में आज गोटमार मेले का आयोजन होने जा रहा है। सुरक्षा को देखते हुए इलाके में 16 सितंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी से पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। पांढुना में बीते कई सालों से गोटमार मेले का आयोजन होता है, जिसमें दो गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं, जिसमें कई लोग घायल भी होते हैं और बीते सालों भी कई लोगों ने यहां पर जान भी गंवा दी थी। तो पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। पत्थरों की ये खूनी परंपरा है, जहां पर दो गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं, कई लोग इसमें जख्मी भी होते हैं। 16 सितंबर तक धारा 144 लागू की गई है। जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेश चांडक इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। महेश, किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि 16 सितंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है, क्या कुछ परंपरा एक बार डिटेल में जानना चाहेंगे? छिंदवाड़ा जिले का ये पांडुना जो है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का पांडुना, जहां पर पिछले कई वर्षों से लगातार गोटमार का आयोजन होता है। इस गोटमार का मतलब होता है एक दूसरे पर पत्थर बरसाना। छिंदवाड़ा जिले के पांडुना के सावर गांव और पांडुना, ये दो गांव के निवासी हैं। बीच में नदी है, पलाश का पेड़ यहाँ पर गाड़ा जाता है माता चंडी की पूजा अर्चना के बाद। आज सुबह ये पेड़ यहाँ गाड़ा गया और अब थोड़ी देर बाद, लगभग एक घंटे के बाद, यहाँ पर पत्थरबाजी चालू होगी। लोग एक दूसरे पर पत्थर करेंगे और कहीं ना कहीं एक दूसरे को लोग घायल करेंगे, और घायल करने के बाद में लोग माता चंडी के मंदिर में जाते हैं, भभूत लगाते हैं और फिर अपने वापस पत्थर खेलने के लिए चले जाते हैं। पुलिस द्वारा लगातार पूरी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। लगातार इस गोटमार को रोकने के काफी प्रयास किए गए, परंतु कहीं ना कहीं कोई भी इसको रोक नहीं सका। ये धर्म और आस्था के नाम पर खेला जाने वाला खूनी खेल बदस्तूर निरंतर जारी है। साथ ही प्रशासन की जो है व्यवस्था यहाँ पर पूरी होती है। लगातार लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को सचेत किया जाता है कि आप इस गोटमार को न खेलें, परंतु लोग घरों से निकलते हैं और गोटमार खेलते हैं। लगातार पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर, लगभग 500 पुलिस बल यहाँ पर तैनात होता है। थोड़ी देर बाद पलाश के पेड़ की पूजा हो चुकी है, अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर गोटमार खेला जाएगा। हमारा ये चूंकि परंपरा यह है कि सावर गांव की लड़की थी और पांडुना का लड़का था, सावर गांव की लड़की को पांडुना का लड़का लेकर के भाग रहा था और उसी बीच ये प्रेम कहानी का नदी के बीच में पहुंचने पर पानी तेज होने की वजह से उसमें दोनों वहां रुक गए। और उसमें कहा जाता यह है कि पांडुना की, सावर गांव की लड़की की मौत हो गई थी और उसकी याद में ये कोला के दूसरे दिन ये गोटमार मेला यहाँ मनाया जाता है। हमारे साथ यहाँ के पांडुना के महेश, मैं चाहूंगी कि उससे पहले आप लोगों से बात कीजिए, जरा उन तस्वीरों को भी दर्शकों तक पहुंचाइए। क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर, किस तरीके से इंतजाम, साज सजावट, क्या कुछ किया गया है वहां पर? क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत तेज बारिश भी हो रही है और लगातार हम गोटमार की तरफ भी अभी लेके जाएंगे थोड़ी देर बाद, परंतु अभी जिस तरह की बारिश हो रही है वो अभी खेल चालू नहीं हुआ है। व्यवस्थाएं लगातार है, क्योंकि पुलिस की व्यवस्थाएं यहाँ पर सबसे ज्यादा तगड़ी होती है और पुलिस का पूरा यहाँ पर टेंट लगा रहता है। पुलिस यहाँ पर निरंतर अपने प्रयास करती है। हम सबसे पहले पुलिस से जानते हैं, उसके बाद आपको हम उस ओर लिए चलते हैं। आप ये बताएं सर कि यहाँ पर जो व्यवस्था की जाती है पुलिस की, वो किस तरह की जाती है? देखिए यहाँ पर जो है कल से लगभग 500 का पुलिस बल जो है उपस्थित है, जिनको विभिन्न विभिन्न तैनात कर दिया गया है। एक तो पांडुना है, दूसरी तरफ सावर गांव है, दोनों तरफ पैदल पुलिस पार्टी लगाई गई है। फिक्स पॉइंट लगाए गए हैं, वॉच टावर्स है जहाँ से पुलिस बल ड्रोन के माध्यम से एवं बाइनोक्युलर क्लब के माध्यम से लगातार निगरानी रखेंगे। इसके अलावा शहर के चारों तरफ कम से कम 11 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर नाकाबंदी की व्यवस्था की गई है। जो आने जाने वाले वाहन वाले को लगातार चेक करेंगे और लोगों पर जो है नियंत्रण रखेंगे। इसके अलावा धारा 144 लगी हुई है और धारा 144 लगने के बाद भी लोग इकट्ठे होंगे, इस पर कोई पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन कोई काम करेगा? तो लगातार नाकेबंदी जो है उसकी व्यवस्था की गई है, जो अपनी अपनी कार्रवाई नाकों पर पुलिस बल करेगा। तो ये जिस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अभी लोग आएंगे, जो कि पुलिस
ने भी बताया कि इस तरीके से वहां पर सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। मैं चाहूंगी कि आप उन तस्वीरों को भी दिखाइए, लेकिन अभी थोड़ा वक्त कम है, हम बाद में आपसे जुड़ेंगे और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए 16 सितंबर तक धारा 144 यहां पर लागू कर दी गई है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि वहां पर अभी बारिश का दौर शुरू हो चुका है, थोड़ी देर में जो परंपरा है वो शुरू होगी और सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।